अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्राम अस्तौर। और ये मस्तौर हैं, तकरीबन 10:30 हो गए हैं। ये उस्मान साहब हमेशा लेट कराते हैं, झूठ बोल रहे हैं इस बार। जी झूठ बोल, उठता नहीं है, सोता है लेट फिर उठता। अभी यहाँ तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, रात को सारी रात बारिश लगी रही है। अभी देवसाई में तो और होगी, वही ना बता रहा हूँ मैं, होगी। तो आगे हम अस्तौर देवसाई तरफ निकलेंगे। कितना टाइम लगता है यहाँ से? ढाई तीन घंटे, बारिश हुई ज़्यादा भी लग सकते हैं, जो फिसलन वगैरह रोड पे। तो आगे निकलते हैं देवसाई की तरफ, आपको रास्ते में बताते रहेंगे क्या हुआ हमारे साथ। ये देखिए पैकिंग शैकिंग हो गई है, मैंने तो बरसाती पहन लिया, उनके पास नहीं है, ये लेके नहीं आए। मैं उनको कहा था ले ले, क्या तो नहीं ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इनको भुगतना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आगे। जी अभी हम अपने होटल से मोटरसाइकिलों पर बैठ गए हैं, बाइक बाहर खड़े थे और सारी रात बारिश होती रही है। निकलेंगे देवसाई की तरफ। आगे करना, यहाँ नीचे खड़े थे साथ होटल मलक गेस्ट हाउस, बहुत अच्छा था बंदा। ये देखिए अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन देवसाई तो हम जाना है वहाँ, तो थोड़ा सारी रात सुना बर्फबारी होती रही है। चलने देखते हैं, बस थोड़ा सा साफ हो कुछ हमारे वीडियो शूटिंग बनाने दे, बाकी लगी रहे खैर है। कुछ नज़र आए सही हमें, नहीं तो हमारा ट्रिप ख़राब कर देगी। मैंने तो बरसाती वगैरह पहन ली है, सेफ्टी सारी कर ली है। उस्मान ऐसे ही है, ऊपर तो उसकी लेदर की जैकेट है, उसमें तो नहीं जाती, लेकिन नीचे ये पीछे भी कुछ बाज़ार था और ये भी बाज़ार है। थोड़ा आगे वो पुल से क्रॉस कर गए हैं तो आगे बाज़ार है, तो आगे जो ही ऊपर चढ़ेंगे तो आप साथ मलक गेस्ट हाउस जिसमें हम ठहरे थे, बहुत अच्छा था। बंदा भी और गैस रोड भी नया नया बना रहा है, वो भी अभी भी सेटिंग कर रहा है उसकी, बहुत अच्छा था, साफ सुथरा। ये देखिए इस्लामाबाद से आई है ये बस, इस्लामाबाद स्टोर ग्रे कोट की तरफ जा रही है। स्टोर से निकल रही है ग्रे कोट की तरफ जाएगी अब ये, तो गाड़ियां भी आती हैं। अपने लोकल ट्रैवल करना है तो अपनी गाड़ी भी आना है, लोकल आना है, बाइक आना है, सब कुछ आ सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। ये एक आ गया जी गांव, इंतहाई खूबसूरत गांव है। ये जो लिखा था गोरीकोट, ये जी गोरीकोट, जो बस पीछे आपने देखी थी वो इधर ही आ रही थी। एंट्री करवानी है किधर, कहाँ पे है? कर लेते हैं, रुक जा, कर लेते हैं। ये है जी जगह गोरीकोट, हम यहाँ से नाश्ता करेंगे, उसके बाद आगे निकलते हैं और पल पल की खबर देते रहेंगे आपको, मौसम का हाल बताते रहेंगे आपको। ये छोटा सा ढाबा पूछते हैं, क्या मिलेगा है? कुछ चने छने भी नहीं है, कुछ और नहीं है। आगे होटल आएगा,
आगे चलते हैं जी। इसके पास सिर्फ चाय और पराठा था, ना अंडा ना चने। तुम आगे घोटाला खाना चाहिए इधर से कहीं भी नहीं मिलेगा, वो मालूम जब भी मिला था। आ जा, अरे जी। अभी हम ये गोरीकोट में यहाँ से नाश्ता किया है, निकल रहे थे तो रास्ते में होटल आया था, पीछे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। नाश्ता किया, ऑमलेट था, चना था, पराठा भी अच्छा था, चाय तो एकदम कड़क थी, ज़बरदस्त थी चाय। तो अभी आगे निकलते हैं, बारिश फिलहाल तो नहीं हो रही लेकिन आगे चांसेस हैं कि बारिश के हो सकते हैं, इसलिए पहले ही बरसाती पहनी हुई है। तो आगे निकलते हैं और रास्ते में आपको दिखाते हैं खूबसूरती। अभी यहाँ से तकरीबन रह गया है जी 60 किलोमीटर देवसाई। तो अस्तोर से जहाँ हम ठहरे थे वहाँ से तकरीबन 75 से 80 किलोमीटर है। गोरीकोट जो पीछे हमने नाश्ता वगैरह किया है वहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर है। बारिश हल्की हल्की हो रही है। इधर आने का जो मूड बना ब्लॉग देखते कि नलकों के, हमने कहा देख कितने खूबसूरत लग रहे थे वादियाँ, तो दिल किया कि बस हम भी चलें और साथ चलो। हमने कहा ब्लॉग भी बनाते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हम कैसे ब्लॉग बनाते हैं। ये देखिए पीछे जितने दरिया आपने देखे वो सारे गंदला पानी था, मट्टी वाला। यहाँ अब ये जो दरिया साथ आ रहा है ये साफ़ सुथरा पानी, जिस तरह कालाम वगैरह में, कालाम में भी साफ़ था और पीछे आगे कुम्हराट वाली साइड पे भी वो साफ पानी था। अभी ये नीचे शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये देखे साफ़ सुथरा बिल्कुल, कुछ ग्रीन कुछ वाइट कलर है उसका, आई खूबसूरत। और साथ बिल्कुल बारीक बारीक बूंदे पड़ रही हैं बारिश की, तो उसका अपना ही मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा वो फील दे रही है। या कि फिर एक कोई गांव आया है, इसका जी क्या नाम है देखते हैं, होटल हट मक्याल, मक्याल आया है जी, जगह का नाम है जी मक्याल। ये साइडों पे आलू वगैरह और मकई कुछ सब्जियां और भी लगाई हैं लोगों ने, ये फ्रूट वाले भी दरख्त लगे हुए हैं, शहतूत, पीछे लीची भी लगी हुई थी, लीची थी, चेरी थी। तो ये हम इस गांव से गुजर रहे हैं सामने मक्याल गांव से। आलू ही मुझे तो लग रहा है साइड पे, ये नीचे जिस तरह वो नारायण शाह के गांव आता है ना बटा कुंड, वहां का आलू बड़ा मशहूर है। पकोड़ा, पकोड़ा, पकोड़ा के पकोड़ा क्या नाम है इसका, ये गांव का नाम है जी पकोड़ा, पकोड़ा जी पकोड़ा।
चाय भी दोस्त भजन भी कैसे
Thank you.
जी तो जो मंजिल हम सोच के निकले थे स्थानीय हम उसे पहुँच गए हैं। ये यहाँ से सारा आगे तक देसाई नेशनल पार्क है, ये उसके सारे ग्रीन मेडोज हैं, ये सामने ये शिवसार लेक है, और ये जो रोड जा रहा है आगे सीधा कंडक्टर जा रहा है, आगे भी बहुत सारी जगह देखने वाली। लेकिन हमारा जो ट्रिप था वो यहीं तक था, क्योंकि आगे एक तो हमारा पेट्रोल का मसला है वो कम है, आगे गए तो फिर मसला हो जाएगा। अभी हम ये है कि अस्तौर भी जाना चाहें तो अस्तौर तक भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें गोरी गेट से पहले पहले पेट्रोल नहीं मिलना, तो इसलिए हम यहाँ से वापसी का सफ़र लेंगे। हमारा यहाँ पर टूर ख़त्म होता है, वापसी में आप हम जहाँ से गुजरेंगे कहीं से गुजरेंगे नारायण का खान जाना है वो दिखाएंगे आपको, और वहाँ से सीधा हम पिंडी की तरफ जाएंगे। अगर आपको पसंद आए हमारी व्लॉग तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।